गोंदिया जिले में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आज जिले में महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड के प्रीपेड बिजली मीटरों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र में हर जगह बिजली के मीटर लगाए जा रहे हैं। रिचार्ज खत्म होने के बाद ये प्रीपेड बिजली मीटर बंद हो जाएंगे और इसका असर हमारे नागरिकों पर पड़ेगा। जब रात में रिचार्ज खत्म हो जाएगा और पैसों की दिक्कत हो तो हमारे नागरिकों को क्या करना चाहिए, यह सवाल उठता है। और भले ही सरकार ने इन बिजली मीटरों की स्थापना को फिलहाल निलंबित कर दिया है, लेकिन इस योजना को बंद करने से संबंध में कोई पत्र या सरकारी निर्णय या अधिसूचना जारी नहीं की गई है। इसलिए बिजली विभाग किसी भी समय लगा सकता है यह प्रीपेड बिजली मीटर। इससे आम नागरिक प्रभावित हो सकते हैं और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज कांग्रेस ने गोंदिया जिले में जिला और तहसील स्थानों पर विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया था। साथ ही सरकार को प्रीपेड बिजली मीटर योजना को बंद करने की अधिसूचना जारी करनी चाहिए। वहीं कांग्रेस ने भी आज एक बयान जारी कर विरोध जताया कि पिछले खरीफ सीजन में अनाज की कटाई नहीं हुई और किसान अपना धान निजी व्यवसाय को बेच रहे हैं। कांग्रेस ने मांग की कि जल्द से जल्द धान की बिक्री शुरू की जाए और पैसा इकट्ठा किया जाए, अन्यथा कांग्रेस ने उग्र आंदोलन शुरू करने की धमकी दी है। महाराष्ट्र सरकार ने सर्वसामान्य लोकांना लाइट देण्यापासून बंद कसा करता येईल अशा पद्धतीचा उपक्रम सुरुवात केली। प्रीपेड आणि स्मार्ट मीटर लावणे म्हणजे त्या माणसाकडे जर पैसे वेळेवर नसतील तर ती लाईट केव्हाही बंद होणे, आणि बंद जर एकदा झाली की त्या घरातली लाईट गेली की त्या पोराचं शिक्षण गेला, त्या माणसाचे अनेक अडचणी आहेत त्या संपल्या, अशा पद्धतीचा धोकादायक निर्णय महाराष्ट्राच्या एकनाथ शिंदे सरकारने घेतलेला आहे। आणि वर्तमानपत्रामध्ये बातम्यात येत आहेत की आम्ही स्मार्ट मीटर बंद केला, प्रीपेड मीटर बंद केला, हे चुकीची घोषणा आहे। कुठल्याही प्रकारचा GR काढलेला नाही आणि म्हणून काँग्रेसने पूर्ण जिल्ह्यामध्ये ठरवलेलं आहे, सगळ्या तालुक्यामध्ये आम्ही निवेदन देत आहोत की स्मार्ट मीटर जर बंद करायचं आहे, प्रीपेड मीटर जर बंद करायचं आहे, तर आपण त्वरित बंद करण्याचा GR काढा। अन्यथा जर काढलं नाही तर सर्वसामान्य लोकांच्या घरी मीटर लागू देणार नाही। आमचा कार्यकर्ता प्रत्येक घरी जाईल आणि MSEB लोकांना अडवण्याचं काम करेल। हे जो आंदोलन हो रहा है, आज का जो विषय है, ये बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि प्रीपेड मीटर अगर घरों में लगाए जाएंगे, स्मार्ट मीटर अगर घरों में लगाए जाएंगे, तो आज हमारे घरों की परिस्थिति ऐसी नहीं रहती कि हर समय व्यक्ति के पास पैसा रहता है। आज जिस प्रकार से अगर रात को 2 बजे आपकी बिजली अगर प्रीपेड मीटर का पैसा खत्म हो जाएगा तो प्रीपेड मीटर के कारण आपके घर में रात को 2 बजे लाइट चली जाएगी। तो ऐसा हम गोंदिया में और पूरे महाराष्ट्र में कहीं कांग्रेस पार्टी होने नहीं देंगी। किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है, जिसके लिए ये सरकार खोखली घोषणा कर रही है कि हमने धान खरीदी केंद्र शुरू कर दिए, पर वस्तु स्थिति में आप जाके देखिए कि कहीं पे भी धान खरीदी केंद्र शुरू नहीं हुए। इसके लिए पूरे तरीके से कांग्रेस पक्ष आज हमारे जिलाध्यक्ष महोदय माननीय माजी आमदार दिलीप भाऊ बनसोड इनके नेतृत्व में यहाँ एक निवेदन देने आया है। पर आने वाले समय में अगर यह महाराष्ट्र सरकार ने एक तुगलकी निर्णय अगर वापस नहीं लिया प्रीपेड मीटर का, और तत्काल प्रभाव से अगर धान खरीदी केंद्र हमारे किसानों को जो नुकसान हो रहा है उसके लिए अगर चालू नहीं किए, तो कांग्रेस भविष्य में एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगी जिसकी जवाबदारी इस महाराष्ट्र सरकार की रहेगी। खरे अर्थाने हे लोकांचं आंदोलन काँग्रेसने उचललं आहे। आज समस्या संपूर्ण देशामध्ये, गोंदिया जिल्ह्यामध्ये लोकांची समस्या आहे। आज BJP हे शिंदे सरकार प्रीपेड मीटरच्या नावाखाली परत अदानी आणि अंबानीचे खिसे भरण्याचं काम जे करण्याचा प्रयत्न करत आहे, तो प्रयत्न हाणून पाडण्याकरिता काँग्रेसने ही सुरुवात केलेली आहे, जेणेकरून पुढच्या काळामध्ये लोकांना त्रास होऊ नये। आज बघत आहात आपण की प्रीपेड मीटर जर लावले तो लोकांना अंधारामध्ये राहावं लागेल, लोकांना त्रास सहन करावा लागेल, येणाऱ्या जबाबदार सरकार राहील आणि ती खबरदारी घेतली पाहिजे म्हणून हा इशारा देण्याकरता काँग्रेसने आंदोलन उभारलं आहे। त्याचप्रमाणे आज धानाची अवस्था आपण बघत आहात की मागच्या 3 महिन्यापासून काँग्रेसने वारंवार निवेदनं देऊनसुद्धा, आंदोलनं करूनसुद्धा अजूनपर्यंत धानाची उचल जी आहे मागच्या खरीप हंगामाची ती न केल्यामुळे रब्बी हंगामाचं धान शेतकऱ्यांना मजबूरन 1500 रुपयाच्या भावानं विकावं लागून राहिलेलं आहे। मी सांगतो, जसा यवतमाळ जिल्हा आत्महत्याग्रस्त जिल्हा म्हणून घोषित झाला आहे संपूर्ण देशामध्ये, ज्या पद्धतीने हे भाजपाचे आणि महायुतीचे लोकप्रतिनिधी, आमदार, खासदार, राज्यसभेचे आमदार, इथले पालकमंत्री जे हुकुमशाही पद्धतीने नरेंद्र मोदीच्या इशाऱ्यावर वागत आहेत, त्या परिस्थितीला पुढच्या काळामध्ये गोंदियातसुद्धा आत्महत्या वाढतील आणि याला जबाबदार जे राहील ते सरकार राहील। कारण की लोकांचं धान आज 2400 रुपये 2500 रुपये किंमत मिळायला पाहिजे, ते धान आज लोकांना 1500 रुपये ते उधारीमध्ये विकावं लागून राहिलं, ही शोकांतिका आहे। आणि हे आंदोलन
काँग्रेसनी उचललेलं आहे. पुढच्या काळात जर इशारा समजला नाही सरकारने तर रस्त्यावर उतरून सुद्धा काँग्रेस मागे पुढे पाहणार नाही आंदोलन करायला. BCN न्यूज के लिए गोंदिया से अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट.